गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे स्टार्ट विद थ्योरम जो हम लोग 1.4 जो सॉल्व करने के लिए करने वाले 1.4 के लिए थ्योरम अप्लाई कर मतलब थ्योरम का यूज करके हम लोग 1.4 सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग समझ के लेते हैं ये थ्योरम क्या है। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम ऑफ अ एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। अगर आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थ्योरम क्या है, एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, उसका नाम क्या लेंगे, एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें कैसे प्रूव करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थ्योरम व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, मतलब बोलते बोलते अगर मैं करूंगा तो आपको समझने में भी आ जाएगा। एक ट्राइंगल लेता हूं एबीसी, ठीक है, अब ये ट्राइंगल है तो इसका हाइट भी आएगा, इसको लेता हूं डी, और एक ट्राइंगल लेता हूं पी क्यू आर, इसका भी हाइट लेता हूं एस। ठीक है, वेन टू ट्राइंगल आर सिमिलर, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो गिवन में मैं लिख देता हूं क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। और आपको क्या दिख रहा है, एडी क्या है उसकी हाइट है, और बेस क्या है उसका बीसी, राइट। उसके बाद पीएस क्या है उसका हाइट है, और क्यू आर क्या है उसका बेस, राइट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर द रेशियो ऑफ एरियाज, मतलब ये जो दिया है ना, इसका क्या करना है, रेशियो, रेशियो मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो उसका जो भी साइड होगा उस साइड का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां पे आ जाएगा टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ दूस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या दिया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पीक्यू, ये दिया हुआ है, बराबर। रेशियो दूस ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसका जो भी साइड है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट का साइड क्या दिख रहा है, एबी, तो आएगा एबी का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पीक्यू, तो पीक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी, बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यूआर, क्यूआर का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, एसी का स्क्वायर अपॉन पीआर, पीआर का स्क्वायर, राइट, ये मिल गया आपको। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपको मिल गया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रूफ। ठीक है, अभी दो ट्राइंगल दिया हुआ है, तो यहां पे इससे स्टार्ट करता हूं, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यू आर, इससे स्टार्ट करते हैं। अभी अगर दो, दो देखोगे इन ट्राइंगल में, तो ये दोनों ट्राइंगल में देखो क्या दिया है, हम लोग इसको ये जो हम लोग ने पढ़ा था कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, बराबर, ये पढ़ा था हम लोग, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर जाते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो हम लोग पहले इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो आएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पीक्यूआर। अगर हम लोग इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो दोनों में ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, तो इसको क्या आएगा, इसका हाइट क्या आ जाएगा, एडी, एडी मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है बीसी अपॉन, इसका हाइट क्या है पीएस मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा क्यू आर, राइट, ये आएगा। क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ा था कि एरिया ऑफ अ रेशियो ऑफ अ टू ट्राइंगल, या तो इक्वल हाइट इक्वल बेस, या तो दोनों भी सेम है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, तो हम लोग ने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, तो हम इसको फर्स्ट प्रूव करेंगे।
क्या पुट करेंगे, फर्स्ट पुट करेंगे। आया समझ में? अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जरा जगह कम है तो ये भी सारा रब कर रहा हूँ वो रखूंगा, क्योंकि आपको प्रूफ करना है, ये भी रब कर दूंगा, ये प्रूफ करना है वो इसको रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ही आना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने समझने के लिए वो डायग्राम रखा है, क्योंकि जगह कम पड़ रहा था इसके लिए मैंने तो उसको रब कर दिया। अभी यहाँ पे देखो, क्योंकि कंटिन्यूटी करूंगा तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। अभी ये तो मैंने बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रॉपर्टी आ गया। अभी क्या करते हैं, एक एक डायरेक्टली तो इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अगर ये लेते हैं इसके हिसाब से तो आपको पता है इसमें क्या आता है, तो ये बाद में करते हैं। ए डी सी, एक ट्राइंगल ये लेते, एक ट्राइंगल ये लेते, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल पी एस आर। मैं इसलिए ले रहा हूँ तो देखो यहाँ पे AD और PSD है, और यहाँ पे AD BD कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको BC और QR चाहिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो दोनों में D और S, एंगल D इज इक्वल टू एंगल S, रीजन 90 डिग्री, दोनों का मेजरमेंट कितना है 90 डिग्री है। और दोनों में देखोगे तो एंगल C और एंगल R इक्वल रहेंगे। क्यों एंगल C और एंगल R इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर रहेंगे तो उनका एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, रीजन सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, इससे प्रूफ ये होगा ट्राइंगल एडीसी सिमिलर ट्राइंगल पीएसआर, ये हो जाएगा ए ए एच, क्या हो जाएगा ए ए टेस्ट, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। अगर ये सिमिलर होते हैं तो इनके सॉरी इनके साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में आएंगे, तो प्रोपोर्शन में आएगा तो क्या आएगा, ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू डी सी अपॉन क्या आएगा एस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या आ जाएगा पी आर, ये आ जाएगा। इसका रीजन क्या आएगा, सी एस एस टी बराबर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे एडी और पी एस दिए है, यहाँ पे देखो एडी और पी एस, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं एडी के जगह पे ए सी और पी आर रख सकता हूँ, एसी और एसी और क्या रख सकता हूँ, पी आर रख सकता हूँ। तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ टू, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर है, रीजन गिवन। अगर ये सिमिलर है तो इसका साइड क्या आएगा इन प्रपोर्शन, मतलब क्या आएगा ए बी अपॉन पी क्यू, उसके बाद बी सी अपॉन क्या आएगा क्यू आर, एंड ए सी अपॉन क्या आ जाएगा पी आर, रीजन सी एस एस करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको हम क्या आपको करेंगे थ्री, अगर आप वन टू थ्री को ऑब्जर्वेशन कर दो, वन टू एंड थ्री, तो यहाँ पे बोला है ए डी और ए सी सेम है, और यहाँ पे देखो ए सी और बी सी क्या है, सेम है। तो अगर आप एडी एडी के एडी अपन पी एस की जगह पे एसी लिखते हो, और एसी की जगह पे आप बीसी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एडी की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ, और इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बीसी। तो क्या आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाय बी सी अपॉन क्यू आर, रीजन क्या आएगा, फ्रॉम वन टू एंड थ्री, इससे आएगा बराबर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, आया समझ में। तो सिमिलरली इसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे देखो तीनों सेम है,
तो अगर ये तीनों सेम है, इसका स्क्वायर हुआ तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको प्रूफ क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? मतलब अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है और उनका एरिया फाइंड आउट करना है तो ट्राइंगल का किसी भी साइड का क्या करना है स्क्वायर करना है, या तो अगर उसका हाइट दिया है तो उसका भी स्क्वायर करेंगे दोनों ट्राइंगल का तो भी मिलेगा, अगर उसका पैरामीटर दिया है तो भी हम उसका स्क्वायर करेंगे तो भी उसका क्या मिल जाएगा एरिया मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये है थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। इस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग अगले एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट 1.4 में इस थ्योरम को अप्लाई करके प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थ्योरम आप समझ के ले लो और नेक्स्ट लेक्चर में 1.4 में पूरा लेक्चर शूट करके भेज दूंगा। थैंक यू।